Hi friend, now let us see factors of a cube plus b cube. A cube plus b cube, factors of this in first bracket a plus b, in another bracket a square minus ab plus b square. Now let us see first how we have got these factors. We know a plus b bracket cube, that is equal to is a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b. Now we have to find out a cube plus b cube, that is a cube plus b cube is equal to a plus b bracket cube minus 3ab into a plus b, that is a cube plus b cube is equal to a plus b bracket cube, that is a plus b a plus b a plus b three times. यहां भी एक a plus b है, दोनों में का a plus b कॉमन लिया a plus b, तो यहां बचा a plus b square a plus b bracket square minus 3ab. अब दैट इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट कंप्लीट, a प्लस b स्क्वायर का ब्रैकेट हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab, दैट इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर. तो ये इसका फैक्टर्स आ गए इस हिसाब से. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6.2 में देखिए, फर्स्ट वन एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब. एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, अब दैट इज एक्स क्यूब, ये एक्स का क्यूब है, और 64 वाई क्यूब दैट इज 4y का क्यूब. तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब जैसे आ गया, दैट इज a प्लस b x प्लस 4y इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वेयर माइनस ए बी, दैट इज x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वेयर. दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर. सेकंड वाला देखिए, 125 एक्स क्यूब प्लस क्यू क्यूब. 125 एक्स क्यूब दैट इज 5x p ब्रैकेट क्यूब प्लस q ब्रैकेट क्यूब, दैट इज इक्वल टू 5p प्लस q हो गया. अब इधर इन सेकंड ब्रैकेट 5p का स्क्वायर माइनस 5p into q प्लस q का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5p प्लस q. 5p का स्क्वायर 25p स्क्वायर माइनस 5p q प्लस q स्क्वायर. थर्ड वन देखिए, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब. 125 दैट इज 5 k क्यूब, 27 दैट इज 3 m क्यूब, दैट इज इक्वल टू 5k प्लस 3 m. 5k का स्क्वायर माइनस 5k into 3 m प्लस 3 m का स्क्वायर,
दैट इज 5k प्लस 3m, 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। नेक्स्ट वन, 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। अब यहाँ आप देखोगे तो ये 2 किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ 2 पहले कॉमन आएगा, 2 इन ब्रैकेट एल क्यूब प्लस 216m क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 एल का क्यूब प्लस 216, यह 216 सिक्स का क्यूब है, 6m का क्यूब, यह ऐसा है। अब इसको हम करेंगे, ये 2 ऑलवेज कंटिन्यू रहेगा, 2 एल प्लस 6m। अब यहाँ एल का स्क्वायर माइनस एल इंटू 6m प्लस 6m का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल प्लस 6m, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। नेक्स्ट वन देखिए, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब यहाँ भी देखिए, 81 किसी का क्यूब नहीं है, 24 किसी का क्यूब नहीं, यहाँ 3 से डिवाइड होता है, 3 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। अब ये 3 बाहर ही रखो, 3 8 दैट इज 2a क्यूब प्लस 27 दैट इज 3b क्यूब। अब अपने फॉर्मूला से 3 2a प्लस 3b इन अनदर ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3e प्लस 3b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 2a प्लस 3b, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। अभी नेक्स्ट वन, y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब, दैट इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 1/2y ब्रैकेट, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू y प्लस 1/2y इन अनदर ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस y इंटू 1/2y प्लस 1/2y ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y प्लस 1/2y y स्क्वायर। अब यहाँ ये इस y को ये y गया, माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर, ये इसका गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है ए क्यूब प्लस 8/a क्यूब, ए क्यूब दैट इज ए का क्यूब, 8/a क्यूब दैट इज 2/a का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 2/a इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2/a प्लस 2/a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 2/a
ए स्क्वायर, इस ए को ए गया, माइनस टू प्लस फोर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका गया। नेक्स्ट देखिए, अभी वन वन प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125, दैट इज इक्वल टू वन का क्यूब प्लस क्यू अपॉन फाइव का क्यूब, दैट इज इक्वल टू वन प्लस क्यू अपॉन फाइव इन अनदर ब्रैकेट वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू क्यू अपॉन फाइव प्लस क्यू अपॉन फाइव का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन प्लस क्यू अपॉन फाइव वन का स्क्वायर वन, वन इंटू क्यू क्यू दैट इज माइनस क्यू अपॉन फाइव प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 25। तो यहाँ ये लगभग 6.2 ख़त्म होता है।